एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर अजयपाल शर्मा के निर्देशों के बाद नोएडा पुलिस निरंतर एक्शन में नजर आ रही है। 24 घंटों के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच चौथी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में साबिर नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक इंद्रजीत नामक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। घायल बदमाश दिल्ली मदनगिर का रहने वाला है, जो ठक ठक गैंग का सक्रिय सदस्य है। साबिर पर लूट के एक दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। फिलहाल घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं फरार बदमाश की तलाशी के लिए पुलिस काम भी कर रही है। मौके से पुलिस ने एक बाइक, देसी तमचा व कुछ कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नोएडा के सेक्टर 54 के पेट्रोल पंप के पास चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति दिखे। पुलिस ने हाथ देकर जब इन्हें रोकने का इशारा किया तो इन्होंने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की तो साबिर नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं इसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ये थाना 24 अंतर्गत क्षेत्र है, ये इसको 56 का ये एक ग्रीन बेल्ट एरिया है। और ये जो हमारी बदस्तूर चेकिंग चल रही थी 56 में, तो ये वहाँ से ये संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार, जिस पर कि नंबर प्लेट भी नहीं है, और ये वहाँ से बहुत तेज़ी से भागे हैं इधर 54 की तरफ। और 54 का ये ग्रीन बेल्ट एरिया है, इसमें घुसे अंदर और इनके द्वारा पुलिस टीम पीछे आती हुई उस पर फायर भी किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जो मिनिमम बल प्रयोग करते हुए उसमें एक अपराधी जिसका नाम बताया जा रहा है साबिर, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसको प्राथमिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये दो थे, और जिसके साबिर ने जो रास्ते में ले जाते समय बताया है। दूसरा बदमाश इंद्रजीत है। इंद्रजीत बहुत ही सक्रिय अपराधी है और उसी गैंग में साबिर भी शामिल हो चुका है। और इंद्रजीत पूरे मतलब हम कह सकते हैं कि मदनगिर एक मोहल्ला है अम्बेडकर नगर थाने में दिल्ली में, जिसमें कि पूरा गैंग ये एक ठक ठक गैंग चलाता है, जिसमें ये गाड़ी की शीशे तोड़ के या बेवकूफ़ बना के ड्राइवर को या झांसा दे के और कभी कभी बल प्रयोग करके भी ये गाड़ियों में रखे सामान को ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं, जबरदस्ती छीन लेते हैं। तो ये इंद्रजीत वही गैंग। अभी तक जो साबिर का पता चला है, अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने अभी सूचना कर रहे हैं, तो दिल्ली हम लोगों ने फोन किए हैं और अगर बगल जिले में फोन किए, तो मैं कह सकता हूँ दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं।